जय माता दी। नमस्ते, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य बताया गया है। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। उमें मैं तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बधाएं मैं निश्चय ही दूर करूंगी। जो मधु कैटभ का नाश से महिषासुर का वध तथा सुम्निसुम के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों से बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजाओं से, शस्त्रों से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मैंने जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से युक्त तथा धन, धान और पुत्रों से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मैं महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वपन दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुख स्वपन शुभ स्वपन में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात से राक्षसों, भूतों तथा पिशाचों का नाश हो जाता है। यह मेरा सब महात्म्य मेरे समीपीय की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अमर्ष, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता के मेरे उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से हो जाता है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों का हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषय के चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भी भय नहीं रहता।
देवताओं तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की है वे सभी कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। वन में सुने मार्ग में अथवा दावना नल से घिर जाने पर निजे स्थान में लुटेरों दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह बाघ आदि जंगली हाथियों के पीछा करने पर कुपित राजा के आदेश से बध या बंधन के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगा होने पर अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदों में से पीड़ित होने पर कि बहुत सभी भयानक बाधाओं को उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे मित्र चरित का स्मरण करने वाले पुरुषों से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यो कहकर प्रचंड पराक्रमी भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं को मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शंभु तथा महाबली निशुम्भ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष और दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी ने नित होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना कर पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी के रूप में धारण करने वाले वे महाकाली के इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती है तथा वे ही स्वयं अजन्मा होती है, सृष्टि के स्वरूप प्रकट होते हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के का समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनमंत्र कथा अंतर्गत देवी महात्म्य फलस्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखें। धन्यवाद। जय माता दी।